दोस्तों, इंसान जिंदा रहने के लिए खाना खाता है और खाने में पराठा हो, रोटी हो, लिट्टी हो या फिर पूड़ी हो, सभी के लिए जरूरी है आटा। भारत में आटा बहुत मायने रखता है। आटा हमारे भोजन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। आटा गेहूं को पीस कर बनाया जाता है, ये तो सभी जानते ही हैं। और आपने कभी ना कभी चक्की पर गेहूं को पीसते हुए भी देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में आटा कैसे तैयार होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं फैक्ट्री में आटा कैसे तैयार किया जाता है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आटा बनाने के लिए हमें गेहूं चाहिए होता है, जो कि खेतों में उगाया जाता है। ठंडी के समय खेतों में गेहूं को बोया जाता है। गर्मी की शुरुआत में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। फसल को अप्रैल के पहले काट लिया जाता है, नहीं तो उसके बाद पानी फिर बरसने लगता है। फसल को काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर की मदद ली जाती है। खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर गेहूं की फसल को काटने के साथ ही उसके बंडल बनाकर भी रखता जाता है। उसके बाद कटे हुए गेहूं के बंडल को वर्कर्स अपने हाथों की मदद से थ्रेशर मशीन में डालते रहते हैं, और ये मशीन गेहूं के दाने को अलग और भूसे को अलग करती जाती है। अलग हुए गेहूं के दानों को बोरों में भरकर वर्कर ट्रकों पर लोड करते हैं। जब सारा गेहूं ट्रक पर लोड हो जाता है, तब फिर उसको फैक्ट्री में लाया जाता है। आटे के लिए अच्छे गेहूं का ही यूज किया जाता है, जिससे कि बनने वाला आटा अच्छी क्वालिटी का बनता है। फैक्ट्री में गेहूं के रंग, शेप, प्रोटीन, नमी और ग्लूटेन लेवल भी चेक करी जाती है। उसके सभी टेस्ट अच्छे से हो जाने के बाद जब कोई कमी इसमें नहीं रहती है, तब फैक्ट्री में गेहूं को सबसे पहले सफाई के प्रोसेस से गुजारा जाता है। फैक्ट्री में लोडेड ट्रकों के आने के बाद वर्कर्स गेहूं के बोरे को अनलोड करते हैं। गेहूं के बोरों को अनलोड करने के बाद उसे एक जाल पर गिराया जाता है। जाल में गेहूं से आने वाले डस्ट और वेस्टेज को फिर अलग किया जाता है। सफाई के लिए सैंपल को मैग्नेटिक सेपरेटर्स, वाइब्रेटिंग स्क्रीन और एयर ब्लोइंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गेहूं को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पर गेहूं के साथ आने वाले पत्थर, कीड़े, पत्ते और जो भी अन्य गंदगियां होती हैं, उनको दोबारा से साफ किया जाता है। उसके बाद इसी कन्वेयर बेल्ट से गेहूं को आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब गेहूं को बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छे से धोया जाता है, जिससे कि गेहूं पर लगी धूल मिट्टी निकल जाती है। गेहूं के अच्छे से धुल जाने के बाद वॉशिंग मशीन से निकाल कर करीब आधा घंटा इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब गेहूं सूख जाता है ना, तब फिर उसको हीटिंग चेम्बर से गुजारा जाता है, जहां से गेहूं फिर अच्छे तरीके से सूख जाता है। अगर गेहूं को अच्छे से नहीं सुखाएंगे ना, तो इसे पीसते वक्त ये चिपचिपा हो जाएगा। जब गेहूं को अच्छे से सुखा लिया जाता है, तब फिर इसे आगे मिक्सर मिल में पीसने के लिए भेज दिया जाता है। पिसाई के लिए गेहूं को सबसे पहले कोल्ड ग्राइंडर से गुजारा जाता है। उसके बाद ब्रेक रोलर्स के जरिए इनको पीसा जाता है, जिससे कि गेहूं की बाहरी लेयर अलग हो जाती है। ब्रेक रोलर से पीसने के बाद शिफ्टर और सेक्शन सिस्टम का यूज करके आटे को छाना जाता है, ताकि बड़े टुकड़े और बाहरी लेयर्स को अलग किया जा सके। आखिर में आटे को फाइन रोलर्स से गुजारा जाता है, ताकि आटा मुलायम और एक जैसा पिस जाए। गेहूं के पिसने के बाद उसकी क्वालिटी को फिर से लैब में टेस्ट किया जाता है। अगर कोई भी कमी रहती है, तो फिर उसे दूर करके आटे को पैक किया जाता है। जब तक गेहूं पिस जाता है ना, एक दूसरी मशीन से उसकी पैकेजिंग के लिए वजन के हिसाब से, यानी कि 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो जैसे अलग अलग पैकेट भी तैयार कर लिए जाते हैं। उस पैकेट पर कंपनी का नाम, लोगो, वजन के हिसाब से पैकेट का दाम, आटे की एक्सपायरी डेट सब कुछ प्रिंट किया जाता है। आटे के पैक होने के बाद उसको स्टोर में एक साथ रखा जाता है। स्टोर से ऑर्डर के अनुसार फिर आटे को बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये था फैक्ट्री में गेहूं से आटा बनाने का पूरा प्रोसेस, जिसे हमने आपको बता दिया है। अगर आपको भी फैक्ट्री में आटा बनने का पूरा प्रोसेस अच्छा लगा है ना, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।